टेक केयर। ओके हम लोग जा रहे हैं आज के दिन सरोजनी घूमने, इस लॉस कप डे आउट। फाइनली हम लोग को मौका मिला है, इसमें मनु ठीक है पीछे डेस्क है, मेरे साथ मेरी दोस्त भी है रिया ठीक है। तो हम लोग कितने आई थिंक पहले दो लोग जा रहे थे फिर हम दो लोग जा रहे थे फिर लाइक एक बंदा हो गया, फिर लास्ट में आके डेस्क बोला प्लीज प्लीज मुझे भी ले चलो ना, घर पे मैं क्या करूँगा। तो फिर हमें ये लो, हाय हाय हाय। ओके अब मुझे बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है, ब्लॉग बनाना बहुत हार्ड है, ब्लॉग बनाना बहुत हार्ड है। बट वेलकम टू द लॉस कप डे आउट। ब्लॉग में बहुत ही हैप्पी। ओह व्हाट अ क्यूट क्यूटी दीदी, फ्रंट कैमरा कुत्ता होना चाहिए। कब से हेलो, मुझे भी कुत्ता बनना पड़ेगा फिर ऐसे मेरे पास लड़कियां आएंगी चाहे, जैसे अभी देख रहे थे। हेलो, ये मेरे पापा जो हैं ठीक है उनके बेस्ट फ्रेंड की लड़की है ठीक है, और ये लोग बचपन से साथ में, बचपन से दोस्त हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। और पीछे मेरा सौतेला भाई है यस ये भी बचपन का दोस्त है। सरोजनी चलोगे? सरोजनी मार्केट, हाँ सरोजनी मार्केट, हाँ 180 बोल रहे हैं। मेट्रो से भी जा सकते हैं, मेट्रो में बहुत भीड़ होगा, संडे है, सरोजनी है, संडे है, चलो। बट द क्वेश्चन इज दैट तुम में से गोदी में कौन बैठेगा? मैं, रिया ते को मनु को गोदी में बैठाना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ सेकंड रचित बन के जा रही हूँ क्योंकि इससे मैं चेंज करा दिया और अभी खा जल्दी से। तो सुंदर लग रहा हूँ मैं। अच्छा रिया दशी है अभी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। This is how a normal day out for me, भाई। Yes, आराम से बैठ जा। चल क्या रहा है भाई इस ब्लॉग में? चल क्या रहा है भाई? ओके ट्रैफिक लग रखा है भाई। बस दो बच्चे बहुत चिल्ला लिया। यस दो बच्चे भाग तो आए, लाइक ऑटो से बाहर निकलो, ऑटो से बाहर निकलो, मुझे तो डर लग गया। दिस इज द बेस्ट बैड थिंग कि यंगेस्ट होने का मुझे गोदी में बैठना पड़ रहा है। मैं दो दो कैमरास के एंगल्स में हूं। हम लोग आए हैं चैट अभी सरोजनी, और आते ही आते मेरा मन चल रहा है कि मुझे नहीं यहाँ पे आना था, ऐसा लग रहा है मैं मेले में आ गया हूँ और यहाँ पे एक्चुअली में मेरा कोई भाई बहन नहीं चाहिए। भैया नहीं चाहिए, बहुत बहुत डर लग रहा है मुझे एक्चुअली में। अभी हमें एक बच्चा मिला था ठीक है, तो ये भी डर है, लाइक यहाँ पे बहुत सारी भीड़, अगर कोई एक बंदा पहचाना ना तो बहुत सारे लोग पहचान जाएंगे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? भीड़ को देखकर, बहुत ज्यादा भीड़ है। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? हाय हाय। ओके तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, हम हॉस्कास गए थे लेकिन हॉस्कास तो बंद हो गया जब तक हम पहुंचे, तो अब हम दोनों लोग पागलों की तरह वापस जा रहे हैं घर पे। हमने मोमो खाया, बट यहाँ हमने मोमोज खाए जिस पे हम दोबारा से बोल के रिकॉर्ड करना ठीक है। बट बहुत मजा आया, हमने लाइक हम धरती पे बैठे थे एंड वहाँ पे बैठ बैठ के हमने लाइक मोमोज खाया, कोई था ही नहीं, सुनसान था। अच्छा ओके तो अभी हम लोग आए हैं एक्चुअली फ्राइज लेने ठीक है, हम एक दुकान पे आए हैं फ्राइज लेने क्योंकि टिन्नू को चाहिए थी फ्राइज ठीक है, और हमने लेना भूल गए, और हम लेना भूल गए जैसे टिन्नू आज के दिन घूमने नहीं गया था, उसने बोला था इसको खाने के लिए फ्राइज चाहिए, तो हम घर के बाहर वेट कर रहे फ्राइज लाने के लिए। यस तो अब हम बनेंगे अच्छे लोग, फ्राइज लेके जाएंगे, उसको खुश करेंगे एंड फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा हम लोगों ने क्या क्या खरीदा था, हम है ही अच्छे। यस ओके हम लोगों ने फ्राइज खा लिए ठीक है ना, मतलब सॉरी फ्राइज खा, हमने फ्राइज ले लिए, अब हम चख रहे हैं, हम एक फ्राइज खाने वाले हैं अभी, टिन्नू को क्या ही पता लगने वाला है इसमें ये फ्राइज। टिन्नू देख लिया आधा आधा फ्राइज तेरा, टिन्नू जब तक ब्लॉग नहीं देखेगा तब तक उसको पता नहीं लगेगा, आधा फ्राइज टिन्नू का हम खत्म कर रहे हैं, हम नहीं मैंने एक खाया है, रचित ने सारा खाया है। यस एक्चुअली मैंने एक बोल के एक्चुअली 10 खा लिए अभी तक बस, अब रख दिया अभी हमारे पास होगा, अब हम जा रहे हैं सीधा घर पे। इसमें है हम सारे, इसमें तेरे लिए फ्राइज हैं, हमने एक भी नहीं खाया नया वाला। यस
ये बिल्कुल टेस्ट करके बता कैसा है। एक भी नहीं खाया, हम सोचा कि तीनों के लिए रखेंगे, फिर वो बताएगा कैसा टेस्ट करता है। बहुत सारे लेके आया ना मैं, तेरे स्टाइल के हैं कि नहीं? अच्छा है, पेरी 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 है, मस्त है, कुछ ज्यादा ही मस्त है, मसाला ज्यादा है, पेरी पेरी ज्यादा है, मिर्ची लग रही है, अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ 10 कितना है? 7-8 का, 7-8 के बीच में। चलो कोई नहीं, मजेदार है, अच्छा है। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या लाया है सरोजनी से, अनबॉक्स हमने क्या क्या खरीदा है सरोजनी से। रील एडिट कर रही थी, तो डेस्क को बोला, डेस्क के मनु को, ये वो कहाँ गया टिंडो, मनु को भी टेस्ट करा दे। ये पेन है तेरे हिसाब से? चेक दिस पेन, तो ये पेन लेके आया मैं सरोजनी से, ठीक है ना टिंडो? तेरे हिसाब से इस पेन का प्राइस कितना होगा? पकड़ के देख, क्या लायो? प्राइस है, चेक 1200 से 1500। ये पेन चैट हमें पड़ा है 400 रुपए का। टिंडू तेरी कसम, ये 400 रुपए का है। अच्छा है ना प्राइस? अच्छा है ना? और ये सोच कितने के, ये दोनों प्राइस लगाकर बता कितने के आए होंगे? सोच कितने का होगा? 400 रुपए, 400 के हैं ये प्राइस। 100 रुपए के हैं ये दोनों। हमारे घर के नीचे एक नई दुकान खुली है, बहुत अच्छी। उसके बाद एक और चीज, मैं एक शर्ट लेके आया जो कि ये है, मैं तुम्हें पहन के दिखाता हूँ। अरे तुम लोग क्यों नहीं आ रहे भाई? नॉट बैड यार, महंगा था ना वैसा, लेकिन टाइट है ये। वो ना वो ओवरशर्ट पे पहन। तो इट लुक्स लाइक दिस। ये मेरे पास शर्ट्स कम हो रही थी, ठीक है, और मेरे को एक शर्ट चाहिए थी, तो ये ऐसी दिखती है। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 200 रुपए। yes. इसका प्राइस पड़ा था 200 रुपए। आरती ये एक्सप्लेन कर, इसमें क्या है? इसमें क्या है? तब तक मैं ये पकड़ लेता हूँ तेरे लिए। इसमें समोसा है। yeah. ओ, ये दीदी की टॉप्स हैं। ओ ये रिया के हैं? Yes. Yes. रिया एक्सप्लेन। वो मैंने 100 रुपए में एक खरीदा, फिर वो लोगों ने मुझे घेर लिया, फिर मैंने और 100 रुपए का खरीद लिया, और ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। उसके बाद ओह माय गॉड, ये भी 100, ये भी 100। वो वही है जो हमारा बंदा सो गया था, ही इज बैक। ओ अच्छा इतना नशे में है ये भी अच्छा है। ओ मेरी प्राइस किधर गई? ओके प्राइस है, कोई तो टेस्ट कर, प्राइस पता कैसा है? आप अपना रिव्यू बताइए प्राइस का। डेस्क के देखो मुंह के कैसा लगा? ये डालने का तरीका थोड़ा अजीब था, इसका कैजुअल था यार, काफी कैसा लगा सच से बताइए। अरे तो ये स्वेटर टाइप नेक टाइप की जब ज्यादा अच्छा है। वाह, ये यहां पर ही ट्राई कर रही है। यस, ओह नाइस, नॉट बैड, इसका टेस्ट काफी अलग है। इसके ऊपर भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तो नॉर्मल प्राइस ज्यादा अच्छा लगता है। ओ चल देन गो गो नहीं मिलेगा उसके बाद। अब नेक्स्ट है बहुत अच्छी परचेज, तुम लोग ये सिर्फ और सिर्फ Y2K फैशन वाले लुक समझ सकते हैं। तर तर ये दिस स्कर्ट मैंने अपने पूरे इंस्टा पेज पे देख रखी थी, और फिर मुझे फाइनली ये मिल गई। और कितने में मिली थी हमें ये? ये हमें मिली है 400 रुपए में। यस 400 रुपीज में। और तुझे पता है ये हम कैसे ट्राई करते? ये भी लेके आया मैं, अब मैं तो दिखाता हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, ये भी है हमारे पास, इग्नोर हमारे पास ये भी है। yes. और मेरा वाला सिंचन है। यस ये हमने तीन लिए। टिन्नू तेरे हिसाब से ये तीन कितने रुपए के आए होंगे? वो ₹70। ये तीनों मिलाकर हमें पड़े हैं कैमरा में तीनों 70 के तीनों आ जाएंगे। 70 रुपए के तीनों कैसे आएंगे? इतना बार्गेनिंग नहीं। हाँ ये तीन हमें आए थे 120 रुपए के। एक्चुअली ये मोजे लिए थे, ये मोजे कितने के रिया? ये 100 ये रिया मैंने लिया। ये है, ये सबसे सस्ता है। ये भैया बोलते 250। गिव इट टू मी प्लीज। ये 100 रुपए का है भाई।
250 से 100 रुपए का, हाँ मैं निकाल रही हूँ, अरे जब तू कार से देख रही थी तब ये भाई चेंज हो गया, ये लड़की भी पहन सकती है ना, लेकिन हम ये भी लेके आए, ये है आम पापड़, आम पापड़ी है ना ये, एक खट्टा वाला एक मीठा वाला, काला वाला खट्टा होता है और ऑरेंज वाला मीठा होता है, ऐसे करके आम पापड़ होता है, ठीक है तो हम टेस्ट करेंगे। ये है मेरा टॉप जो कि मेरे को बहुत ज्यादा एक नॉर्मल टॉप चाहिए था, एंड दिस इज नाउ वन ऑफ माय फेवरेट टॉप्स, ठीक है। और ये है रिया, शट अप, ये है रियाका जो कि आल्सो माय फेवरेट, अब मैं उसे हमेशा बोरो करूंगी। ओके अभी मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, ये ऐसा है भाई, नॉट बैड, मैं ये पहन के आ रही हूँ। ओके लेट गो, लिफ्ट करना काला दिन, ओह यस, इधर आ खा के देख, ओह यस, ओह यस, ओह हाँ अभी बहुत ही ज़्यादा। अब ये है, आप सबसे पहले देखो, ओ मैंने सिर्फ स्कर्ट्स ली है क्या? हाँ तूने स्कर्ट्स ही स्कर्ट लिया है। एक है ये, एक है ये, इसके साथ रील बनाऊंगी ऐसे, तो एक और, एक और, एक और, दिस इज a fairy one, ye actually ghar pe bhi pehen sakti hai tum, yes abhi pehen sakti hai Rajit, ha oh this is good, ye acha hai, yes let's go, yes to ye thi abhi hamara ho gaya na pura shopping ka, nahi maine shirt nahi dikhaya, was oh ha ye dikhaya shirt, and then diya ne ek aur shirt liya hai apne liye, do shirts, ek ye hai, ठीक है ना, नॉर्मल घर पे पहनने के लिए है, नहीं अच्छा कॉलेज ये छोटू सा क्यूट टॉप के साथ ऊपर ओवरऑल से कितना क्यूट लगेगा समर टाइम, आई डोंट नो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मेरे टीवी को चूज करने बोला ब्रो, ऑन कैमरा चैट, ऑन कैमरा मेरे को एक लड़की मारने की कोशिश कर रहा भाई, शिट भाई तू एडिट करेगा ना इनको, बताइयो देख जूम इन करियो भाई, देखो ये मैंने खा के देखे, ठीक है फ्राइज को, ये फ्राइज नहीं आलू है एक्चुअल में, इतना वो है तेल इसमें, जब ये होता है ना फ्राइज वाला कड़कपन, देखो ये पैर ऊपर कर रही है, ठीक है ऐसे कर रही है लंबा होने के लिए, मत खा रही, ज्यादा तेल है बोल रहे हैं, आप किसमें, हमें तेल से क्या मतलब, हमारी बॉडी है वही, आ जाओ पूज करते हैं, पूज करते हैं, सुनो सरोजनी के ब्लॉग के लिए पोज, नहीं नहीं ऐसे नहीं, चेक मेरे बाइसेप्स, यस यस, अपने अपने कपड़े अपने कपड़े अपने दिखाओ ऐसे, तू भी आ जा मेरे पास तो कपड़े, मेरा एक ले ये लो, ये पकड़ो, मैं नंगा हूं, पकड़ो ना उसके भी, उसके भी, अरे ये पकड़ो उसके भी, उसके ये पकड़ो, ये हम ब्लॉग बना रहे हैं इसको मैं ऐसे रखूंगा, अबे सारे लोग दिख ही नहीं रहे, मनु को लड़की को आने दे, हां मैं साइड हो जा रहा है ऐसे, आई गरीब लग रहा हूं, लोग कपड़े नहीं दिख रहे, ये ब्लॉक कित, ओह नॉट बैड, नॉट बैड, अरे हवाई हवाई कपड़ा, हवा हवाई हवा हवाई, वही अंकल होते ना अमीर अंकल, ऐसे बड़ा सा पेट लेके पहनते हैं नीचे पैंट, चलो दिस इज द फर्स्ट लॉस्ट का ब्लॉग, ठीक है ना, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।